दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी जानकारी जहां पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक का जो कन्या उत्थान योजना का ऑनलाइन अप्लाई था तो किस तरह ऑनलाइन कर पाएंगे उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों, उसमें एक मैंने एक मिस कर दिया था, मुझे मुझसे एक गलती हो गया था। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से कि उसमें मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर वो देने का। इसलिए आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि उसमें जो दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप नंबर नहीं देना है। उसमें जो है आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका BA Part 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप किए हैं, तो उसका Part 1 का जो मार्कशीट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर देना और वही डेट आपको देना है। कोई आपको आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं देना है। जो भी आपके मार्कशीट पे है BA Part 1 में, जो भी BA Part 1 में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, BA Part 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। मैंने ये कल्याण की से बात किया तो उन्होंने बताया कि BA Part 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर और उन्हीं का डेट और मंथ देना है, ठीक है, साल। तो सारा चीज़ आपको देना है अपने सर्टिफिकेट के अनुसार। BA Part 1 पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही देना है, जो डेट ऑफ बर्थ जो डेट है उसमें दिया गया इशू वही डेट देना। आपको कोई आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं देना है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, यही थे आज की वीडियो में, और अगली बात में दोस्तों कर लेता हूँ। मैं आपको बता, तो बहुत सारे कमेंट आया था क्या ऑनलाइन करने के बाद डॉक्यूमेंट को कहीं जमा भी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं एक कल्याण की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है। विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी भी डॉक्यूमेंट या आवेदन का देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑनलाइन करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको विद्यालय में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया आपका स्नातक। अगर +2 या आप 12वीं के बाद भी अगर स्नातक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए किए थे 10,000 वाला, तो उसमें भी आपको कॉलेज में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखने हैं, अभ्यर्थी के रिजल्ट के समय जब भी आपको 12 पास किए होंगे कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका वीडियो मैं पहले से बना दो, उसका वीडियो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 12वीं पास कर चुके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 10,000 का लाभ लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, उसमें जो जब रिजल्ट आया था आपका 12th का, तो उस समय आपका अविवाहित होना जरूरी है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आया तो उस समय आपका अविवाहित होना जरूरी है। उसके बाद अगर अविवाहित आप हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट के समय अविवाहित होना जरूरी है। और इसमें भी आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको कहीं भी कॉलेज वगैरह कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा जानकारी था जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताता रहता हूँ, आपको इस चैनल के माध्यम से, और सभी तरह की जानकारी आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे अभी ऐसी वीडियो डाले हुए जिसपे बताया गया आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया था, उसी को देखकर मैंने भी कुछ गलत आपको कह दिया कि आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। सॉरी, उससे मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको BA Part 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ इशू वहीं पे लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन पे आपको वहाँ से देख कर दे देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।